हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार, आप लोगों ने मुझे एनविश की पहली वीडियो में इतना ज़्यादा प्यार दिया और सब मुझे कमेंट्स में बोले जा रहे थे कि आप पार्ट टू ज़रूर बनाएं, तो मैं उनको बना ऐसे कर सकती थी। तो आज फिर से मैं एनविश पे रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ। उनकी सेवेज रिप्लाई पे फनी मोमेंट्स हैं, पूरा पैकेज है। तो आई होप सो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तुम लोगों की तो कोठियां होंगी, है ना? नहीं, आप सड़क पर से ऐसे उठ के वहीं पे ब्रश करते हैं। सड़क पे सो जाते हैं कभी हम, क्योंकि सड़क अपने बाप के। आपको मेरे मम्मा बेटी वो सामने खड़ा इंसान तुम्हारी चाट पूछता है। तेरे बच्चे दूष, मेरे बच्चों पे मत जाना कपटी, बच्चों पे मत जाना। अभी आ गए क्या? जो भी आएंगे वो बहुत स्पेशल होंगे, मेरे बच्चों पे मत जाना। सिंगर्स चाहिए अच्छे, म्यूजिकली इंक्लाइंड बच्चे। आई कैन हेल्प। हमारे घरों में पता क्या होता, हमारे उधर जैसे ही लगता ना लड़का में चोर हो गया दिखने में, उसकी शादी कर देते हैं। हमारे इधर भी होता है। तो तुम्हारी तो बहुत पहले कर देनी थी। क्या दिख रहा मेरी आंखों में? प्यार इसके लिए। आए यार एल्विश, तूने कैसे पहचान लिया? देख रहा, साली के गलत जगह हाथ मत मार। साली के कहाँ कर रहा है? 2000 अलग से लगेंगे। बैंगन बैंगन कौन बैंगन 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 कुत्ता। वाओ, वो देख आपकी नफरत, वो देख क्या आवाजें निकाल रहे हैं साढ़े उधर से। मैं बोल रहा हूँ होट कटा बंदर कैसा कैसा होता, हमने तो नहीं देखा होट कटा बंदर कभी, तो आज मुझे पता लगा होट कटा बंदर कैसा होता। आपको देख के लगा होट कटा बंदर ऐसा ही होगा? लाल बम वाला बंदर ऐसा ही होगा ना, लाल बम वाला। हाँ। You wanna check? विशेक, मैक्सिमम लोग आप की ये जर्नी जो है दो हफ्तों की बिग बॉस के इस घर में, ओटीटी के इस प्लेटफॉर्म पर, जियो सिनेमा पर डिफिकल्ट करना चाह रहे हैं। 6 हफ्ते में नहीं कर पाए, 2 हफ्ते में जाएगा। भाई मेरे पास थी कल, वो जिया से भी पूछी थी बेबी का कि कैसा लड़का अच्छी है, तो उनकी डिमांड है टॉल, डार्क, हैंडसम, रिच, फैमिली ओरिएंटेड। मैं कहा सालों प्यार करने वाला नहीं चाहिए क्या तुम्हें? तो नहीं देखते। अभिषेक ने बाहर लाइफ में बहुत सारी चीजें करी हैं। वो यूट्यूबर है, इंस्टाग्रामर है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, और अब तो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का रनर अप भी है। सेट करेंगे और उसका ब्याह करके वहीं सेट हो जाएंगे। एक बार मुंबई आएगा ना तो दिल्ली जाएगा। एक बार दिल्ली आओगे ना तो मुंबई जाने का मन नहीं करेगा। एक बार तुम गुड़गांव आओगे ना एक बार तुम गुड़गांव आओगे तो वापस नहीं आ पाओगे। ऐसा ना सब कर ले। अरे यहाँ तो क्या पकड़ा है? हाँ तो कहाँ पकड़े? घर में इतना काम करती है, इतनी मेहनत करती है, तो कभी आपको ये नहीं लगता कि इतनी मेहनत अपनी मूवीज में कर लेती है? हिचकी आ रही, मैं यहाँ से गुजरता हूँ हिचकी आती है, मुझे लगता है मेरे घर वाले याद कर रहे हैं मुझे। मैं याद करती हूँ यार तुझे। हाँ, कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? काम कर रहा था, जो लसन छील रहा था, तारीफ कर रहा था। पसंद तो हो आप मुझे इस घर में सबसे नीचे से पर। मैंने क्या बोला, अगर गलत होगा तो टॉयलेट के भीतर छुप जाऊंगा, खोल आना मत कोई। टॉयलेट के पीछे? टॉयलेट के अंदर छुप गई।
कमोड़ के अंदर तू चल जाइयो, पीछे मैं चल जाऊंगा। मैं ये लड़का है जमाई बन के घर, चोर है साला, चोर। ओए चोर कैसे कह रहा मुंह से? ये सब कह रहे कि ना पागल है, कैसा पता चल जाएगी इनको। नीट मार जाऊं। क्या मार जाऊं? नीट पी जाऊं ऐसे शराब में। नीट बोले तो? नीट मतलब सिस्टम। तुम्हारी मम्मी से मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरे अविनाश फर्स्ट का सेकंड में था। पूजा जी केम आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ सिलेबस। उनको आई थिंक एक इन जनरल भी दिया कि आपने घर को घर बनाया और हम घर को बाथरूम बना रहे हैं। जी आज जानबूझ के हैवी डंबल मारा ताकि बेबी का इम्प्रेस हो जाए। अबे साले, शहर दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी तब भी मैं लड़कों से प्यार करूंगा तुझसे नहीं। आप कभी किसी मूवी में ये वाला काम किए? नहीं, मतलब मैं लाइफ में करती हूँ यार। अच्छा लाइफ मैं लेके भी आई हूँ, मेरा ये है मेरे साथ में। अच्छा मतलब लाइफ में किया, एक्टिंग ऐसा कुछ नहीं की ये वाला रोल? मैंने किया है। तूने किया? जूते पॉलिश का रोल किया था। तो उसमें तू कहती जूता, तो उसमें तू कहती जूता। रुको जरा, सबर करो भाईचारा, कायम रहेगा, कायम है, चाहे लड़ाई भी हो जाए खुल के, लात घुसंड भी हो जाए, बट हार्ड फीलिंग्स ना हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वही है, हम तो पड़ोसी हैं, मिलेंगे जल्दी, तू जीते मैं जीतू, कम्युनिटी विंस। बहुत मजा आया यार, और सीरियसली मैं सच बताऊँ, मैं इन शॉर्ट वीडियोस को देख देख के, आप लोगों के लिए रिएक्शन बनाती हूँ, लेकिन मैं वीडियोस को देख के मैं सीजन को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ मैं फिर से ये सीजन दोबारा देखूँ, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है दोबारा सीजन देखने का, क्योंकि ये सीजन बहुत ज्यादा मजे का था, और पहले काफी मजे का था, बीच में जब एलविश आया तो उसके बाद और मजे का हो गया, क्योंकि एलविश बेस्ट है यार, उसके आने के बाद इतनी चीजें इधर से उधर हुई, इतना मजा आया। और सबसे बड़ी बात है मनीषा, एलविश और फुकरा इंसान इन तीनों की दोस्ती यार, उनकी बॉन्डिंग्स इतनी अच्छी थी, और मैं यही चाहती हूँ कि बाहर भी ये लोग बहुत अच्छे दोस्त बन के रहे, लेकिन वो अभी तीनों इतने ज्यादा बिजी हैं, क्योंकि उन लोगों के पास इतना ज्यादा आम है, तो वो अपनी ही लाइफ में मसरूफ है बहुत ज्यादा, लेकिन वीडियो देख के बहुत ज्यादा मजा आया। और एलविश भाई क्या कोई बोल सकता है? तो आपको अगर इस पूरे इंसान के वीडियो चाहिए, रिएक्शन वीडियो, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, तो मैं उन पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय।